जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य पर श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा संपूर्ण देश भर में चलाई जा रही है, जो प्रतिदिन देश के किसी न किसी ग्राम या शहर पहुंचकर भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को पहुंचा रही है। दिनांक 24 अप्रैल 2024 की सायंकालीन पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा असम के बोकाखात स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुंचा, जहां भक्तों ने प्रभु भक्ति में मुग्ध होकर सुसज्जित थालियों में दीप सजाकर प्रभु की आरती उतारी। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। दूसरी आरती सीधन कीरी, सुमिरन करते मिटे भव फेरी। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इसके साथ ही 25 अप्रैल 2024 को प्रातः काल की पावन बेला में भी असम के बोकाखात स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में ही अभिषेक एवं शांति धारा करने का पुण्य यहां के भक्तों को मिला। इस दौरान भक्तों में अति उत्साह नजर आया। इसके बाद भक्तों द्वारा रथ में विराजमान भगवान महावीर स्वामी का उत्साह और उमंग के साथ अभिषेक किया गया। बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिन्म अभिषेचयामिति स्वाहा। प्रभु का अभिषेक करने के पश्चात नगर के भक्तों ने बीजाक्षरों के मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा की। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्श्वती तीर्थंकराय द्वादश गण परवृषाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक भसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मे धनेन्द्र परम मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्राविक साविका विमुख चतुस्संग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अपवादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम
सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिष्मारीम सर्वधनमारीम सर्वब्रक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्मारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविस्मारीम सर्ववेतालसाग्निमयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम सत्य तेजोबल सौरवीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभ्यनंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्व दुख हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम त्रिश्लोकेशु व्याधि व्यसन भजतम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विदे थे। आज के शांतिधारा पुण्याजक परिवार श्री कैलाश जी काला परिवार सुरेश जी काला परिवार मनोज जी भरजात्या संतोष जी प्रमोद जी झांझरी परिवार मनीष जैन पदम जी झांझरी परिवार सुमेर जी मुकेश जी नीलेश जी काला परिवार पंकज जी संदीप जी झांझरी परिवार सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले सभी परिवारों में सुख समृद्धि हो ऐसी भगवान महावीर स्वामी से मंगल कामना करते हुए शिवमस्तु कुल गोत दंदनम सदास्तु चंद्र प्रभु बांसपुज मल्ली बदमान पुष्पन शीतल मुनिशोभित नैमिनाथ पाशनाथ इत्यपिनवा इत्यन मंत्र नवज्ञात शांत गंधोत्कम धारा वर्षनम संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र। शांति धारा करने के पश्चात भक्तों ने प्रभु चरणों में अर्घ अर्पित किए प्राप्त अर्घम नृपांति। इसके बाद नगर के भक्तों ने प्रभु महावीर स्वामी के भक्ति पूर्वक मंगल आरती की। नीलानंद विभु ओम जय महावीर प्रभु सिद्धार्थ घर जन में वैभव था भारी स्वामी वैभव था भारी बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तप धारी ओम जय महावीर प्रभु। तदुपरांत नगर के भक्तों ने संपूर्ण देश भर में निकाली जा रही पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। बुकाखात यहाँ पहुँचा है, कल हमने इसकी रथ की मंगल आरती की, आज सुबह हम सभी ने इस महावीर भगवान की अभिषेक और शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। यह रथ अब यहाँ से चलकर दीमापुर की ओर प्रस्थान करेगा। भगवान महावीर के यश गाथा को बढ़ाता हुआ, भगवान की यश गुणगान करता हुआ, भगवान की कीर्ति को चहुं दिशा में फैलाता हुआ यह रथ यात्रा सभी समाज जनों के लिए, सर्व समाज के लिए मंगलमय हो, इसी भावना के साथ हम सभी ने यहाँ पर मंगल आरती करके सौभाग्य प्राप्त किया और आज सुबह उठकर सभी ने इसकी भगवान महावीर की मूर्ति के अभिषेक एवं शांति धारा करके सौभाग्य परम प्राप्त किया। हम सभी धन्य हुए कि आज हमने पावापुर से पधारे, इस रथ में भगवान महावीर भगवान की मूर्ति विराजमान थी जिसके हमने दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त किया, हम धन्य हो गए।